अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोग की दुआ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी अभी मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और फ्रेश होकर आई हूँ, मुँह हाथ वगैरह धोया है, ब्रश वगैरह किया है। तो मैं आ गई हूँ टेरेस पर। कल मैंने आप लोगों को जैसे कहा था कि अब मामा वगैरह नहीं है, तो इसलिए अब मैं यहाँ पर आया करूँगी। तो अब शायद यहीं से ही मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट किया करूँगी और इंशाल्लाह रेगुलर आप लोगों को वीडियोस आती रहेंगी। पिछले दिनों थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी, थोड़ा सा नेट का मसला हुआ होता था, तो दो तीन दिन जो है वो स्किप हुई हैं मेरी वीडियोस। तो ये बस नेट की वजह से स्किप हुई हैं, या एक दिन शिफ्टिंग का था तो उस वजह से थोड़ा सा मसला हुआ है। तो अब से इंशाल्लाह रेगुलर वीडियोस आया करेगी। और यहाँ पर तो मुहर्रम का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। लाहौर में, पाकिस्तान में जब होती थी तो मजलिस वगैरह पर जाना आना 1 से 10 मुहर्रम तक लाजमी होता था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है मुहर्रम का। जब सोचती हूँ ना तो थोड़ा सा दिल उदास होता है कि मैं वापस चली जाऊँ। अब सफ़र में जाऊँगी तो फिर जो घरों में मजलिस वगैरह होती है, हमारी जो मजलिस होती है, तो वो फिर सारी अटेंड कर लूँगी। तो बस अब आगे दिन जो भी करूँगी आप लोगों को लाजमी दिखाऊँगी। हवा चल रही है यहाँ पर काफ़ी अच्छी, थोड़ी गर्म है लेकिन बहुत गर्म हुआ नहीं है, कड़ा बंदा हुआ हो सकता है यहाँ पर। तो चले फिर आगे मैं नाश्ते में मिलती हूँ आप लोगों से। ये था मेरा डेली की तरह नाश्ता प्लस लंच। तो अभी हम जा रहे हैं कहीं बाहर, कहीं किधर पता नहीं। अभी हमें शायद नेट पैकेज करवाने के लिए जाएं और एक दो यहाँ पर ही आसपास देख लें कि कौन कौन सी शॉप्स हैं, तो उसके लिए फिर हम चलते हैं। एक तो ये लाइट्स अग्गा। ये थोड़ा सा बिल्डिंग का काम चल रहा है यहाँ पर, अभी न्यू ये बिल्डिंग बनी है तो साथ साथ काम ही चल रहा है इसका। तो अभी हम कहाँ से जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, इधर से ही उतर जाओ। ये सारी, ये दोबारा से ये इन्होंने क्या होती हैं, ये ईंटें उखेड़ी हैं, पता नहीं कोई काम चल रहा है यहाँ पर। इधर आ जाओ ना, रोड क्रॉस करनी है। कार आ रही है, चले ही चलते हैं, चले ही जाना था, जितनी स्लो आ रही है। आराम से ये हमारे फ्लैट के बिल्डिंग के पास एक सैलून है,
इनके मैंने वो लिया था कार्ड जिसके ऊपर सारा लिखा हुआ था। वो चेक किया तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, उसके अंदर हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। सर्विस पता नहीं कैसी होगी इनकी। सिस्टर ने जाना तो है सैलून, तो अगर इसी सैलून गई वो तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। फाइव थोड़ी करने हैं, कितने लिखना भी तो है ना, फिर ही वो काटेंगे। डाल के तो देख, इंसर्ट है, इंसर्ट द टू कैश एक्सेप्टर। आई ना वापस 100 अब पे कर दे 100। मेन मेन्यू बस वो आ गई। तो आप पैकेज खुद ही करोगी? हाँ खुद ही कर लेते, हो जाएगा देख लेना। हाँ तो हम आ गए हैं एक पार्क जो हमारी बिल्डिंग से बिल्कुल ऑपोजिट है। फर्स्ट टाइम आए हैं तो देखते हैं अंदर क्या कुछ है। बैठने की जगह तो नजर आ रही है। ओ हो, ये तो सारे डॉग्स हैं यहाँ पर। ये कुत्तों का पार्क तो नहीं? जी तो हम यहाँ पर बैठ गए एक जगह ढूंढ के। ये तो लग रहा है जैसे ये डॉग्स का पार्क है। जो भी यहाँ पर नज़र आ रहा है वो अपने अपने कुत्तों के साथ ही है, तो हमें तो बहुत डर लगता है कुत्तों से। तो बस हम यहाँ पर बैठ गए हैं, ज़्यादा नहीं हम चल रहे क्योंकि फिर हमसे भागना मुश्किल हो जाएगा अगर वो हमारे पीछे भाग पड़े थे। तो रिंडा करते हैं हम यहाँ पर बैठ के इंजॉय, तो फिर वापसी पे मिलती हूँ आपसे। जो आप लोगों को बिल्डिंग नज़र आ रही है ऑरेंज कलर की, ये हमारी बिल्डिंग है और वो सामने पार्क है। बाहर कहीं लिखा तो नहीं हुआ कि ये डॉग्स का पार्क है? पता नहीं क्यों अंदर सिर्फ डॉग्स 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 ही थे, सब अपने डॉग्स लेकर आए थे। लेकिन अभी जब हम एग्ज़िट कर रहे थे तो दो मेल्स एंटर कर रहे थे, तो उन्होंने तो अपने डॉग्स नहीं पकड़े हुए थे। तो शायद वैसे ही इत्तफाकन आज ऐसा हो गया हो कि सारे डॉग्स ही नज़र आ गए हमें। जो भी है नेक्स्ट टाइम फिर विज़िट करके देख लेते हैं, क्योंकि इस एरिया में सिर्फ ये चार पांच दुकानें और एक ये सर्कल मॉल और एक ये पार्क के अलावा तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर ज़्यादातर ना इंडियन जो मलवारी होते हैं वो मिलेंगे और अंग्रेज़ मिलेंगे यहाँ पर इस इलाके में। आओ मूसा, आपको कहा है ना कि इधर टच नहीं करते हैं। कोई नहीं, खुद ही इसको एस्ट्रोनॉट पकड़ लेगा।
करो टच पता चलेगा तुम्हें। फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये हम आ गए। जी तो मैं इस टाइम आई हूँ जिम, इसी बिल्डिंग का जिम है। तो अपने कपड़े वगैरह बूट वगैरह मैं उठा कर बस फटाफट भाग गई हूँ, क्योंकि फिर जो मूसा है ना वो पीछे पड़ जाता है कि मैंने भी जाना है। तो फिर उसके साथ तो ये सब होने से रहा था। तो ये जिम आज ही ओपन हुआ है, वरना जितनी दफ़ा भी हम आ रहे हैं तो वो बंद था। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाती हूँ कौन कौन सी मशीनरी पड़ी हुई है। जिम बॉल, डंबल्स, ट्रेडमिल्स, साइकिल, बहुत है। एक रेगुलर सी नॉर्मल सी एक्सरसाइज करने के लिए ये चीज़ें बहुत होती हैं। एसी भी लगे हुए हैं, जो कि अभी एक चल रहा है और एक बंद है। आए आप लोग को मैं पूल भी दिखाऊं और चेंज भी कर लूँ। मैं पूल एक्चुअली बंद है क्योंकि पूल का हो रहा है काम, जिस वजह से उन्होंने पूल को अभी बंद किया हुआ है। उसका पानी जो है वो निकाला हुआ है। तो ये है बड़ों के लिए पूल और उस साइड पे है बच्चों का पूल। और यहाँ पर उन्होंने वो सिटिंग के लिए ग्रास वगैरह लगाई हुई है कि लोग बैठ जाएं आराम से। काफ़ी अच्छा है यहाँ पर ना ये देखें, ये जिम है। वॉशरूम भी है यहाँ पर, वॉशरूम भी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये वॉशरूम हैंडीकैप लोगों के लिए है, जो कि अभी बंद है। ये लेडीज टॉयलेट एंड चेंजिंग रूम। देखिए शॉल लगा हुआ जी। तो मैंने कर लिया है चेंज और मैं सोच रही हूँ कि मैं कर लूँ पहले वॉक। तो चलें, फर्स्ट टाइम करने लगी हूँ ये। ट्रेडमिल तो मैंने किया है बहुत दफ़ा, हमारे घर में भी है तो वो तो करती रहती हूँ, लेकिन ये करने लगी हूँ फर्स्ट टाइम। एक्सपीरियंस है इसका, तो लेट्स सी क्या होता है। ओके बिस्मिल्लाह। तो आई एम डन विद दिस और अब मैं क्या करूँ। मैं सोच रही हूँ कुछ लेग्स का कर लूँ। ये भी कुछ यही था, ये वार्म अप था मेरा। फिर उसके बाद हम मैट पे भी करेंगे कोई एक्सरसाइजेस और इसके साथ डंबल्स के साथ भी करेंगे। तो चलें, अब मैं आप लोगों को वर्कआउट के बाद ही मिलूँगी। बाय जी। तो मैंने कर लिया अपना
जिम और अपने कपड़े भी उठा लिए हैं और ये भी जूती भी। तो अब मैं जाने लगी हूँ ऊपर, ये फर्स्ट फ्लोर पे है और हमारा जो वो है फ्लैट है वो 6th फ्लोर पे है। तो आज तो मैं बस आई थी थोड़ा सा ही विज़िट करने के लिए, वो मैंने इतना ज़्यादा कर लिया ना, ऐसे लग रहा जैसे आज ही मैंने पतले हो जाना। और पानी भी नहीं मैं लेकर आई, कुछ भी नहीं लेकर आई, कल से इंशाल्लाह पूरे इंतज़ाम के साथ आऊँगी ऊपर। और मेरी जब मैं ट्रेडमिल कर रही थी तो मेरी हार्ट बीट जा रही थी 162 पे, मैं डर गई, इतनी ज़्यादा हार्ट बीट थी तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था। तो खैर कोई नहीं, कुछ नहीं होता, स्टेमिना भी मेरा ऐसा ऐसा बढ़ जाएगा। तो अब हम निकलते हैं बाहर, लाइट्स ऑफ कर दो। चलें जी, अंधेरा अंधेरा अंधेरा, आगे जाके आप लोग को रोशनी में नज़र आऊँगी मैं। तो अब इंशाल्लाह आज से तो जिम की शुरुआत हो गई है, अब दुआ कीजिए कि रोज़ मैं आ जाऊँ, सुस्ती ना करूँ, क्योंकि हफ्ता ही होता है तो फिर मुझे सुस्ती चढ़ जाती है। ओ ये हम एंटर हो गए हैं, लिफ्ट आ रही है। जो ग्राउंड पे फंसी हुई है दोनों, मेरी आ गई है लिफ्ट। अब हम प्रेस करेंगे 6th फ्लोर और डोर क्लोज। कल से इंशाल्लाह प्रॉपर मैं सारी चीज़ें लेकर आऊँगी, पानी वगैरह, मेरा गला बहुत खुश्क हो गया था तो बस पे मैंने वेट भी नहीं किया और मैं जल्दी जल्दी आ गए हैं हम अपने फ्लोर पे। मैं ऊपर आई तो मेरी सिस्टर वगैरह, मेरी बिनोई, अरसलान भाई और बच्चे वगैरह सारे जा रहे थे ऊपर, ऊपर नहीं सॉरी नीचे 1st फ्लोर पे। तो अब मैं, मूसा रो रहा था, कह रहा था कि आओ आओ, तो फिर मैंने उसको कहा है कि अच्छा मैं आ रही हूँ कपड़े वगैरह चेंज करके। हाँ, तो अब मैं लूँगी शावर और कपड़े वगैरह चेंज करूँगी और फिर उसके बाद फिर चले जाऊँगी, ताकि उनके साथ इधर मैं क्या करूँगी। तो चलें फिर, मैं आपको मिलती हूँ बाद में, बाय जी। तो मैं हो गई हूँ रेडी, अब देखती हूँ नीचे जाकर के क्या कर रहे हैं ये लोग, दिल तो नहीं कर रहा लेकिन चलो चलते हैं, इधर बैठ के भी क्या कर लूँगी, थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँगी। तो चले चलते हैं, अब करते हैं लाइट्स ऑफ, ये भी लाइट्स ऑफ। ओह ज़्यादा ही अंधेरा हो गया था, और मैंने कुछ लेना तो नहीं, नहीं कीज लेनी है, ये निकाल ली कीज। ओह करे लॉक तो खोल लूँ, क्या है, चले करते हैं फ्लैट को लॉक। ये कहीं आ तो नहीं रहे,
नहीं नीचे, सॉरी। फर्स्ट फ्लोर मुझे लग रहा है कि ये लोग आ रहे हैं, देखते हैं। ये लोग आ रहे हैं। तो ये लोग ऊपर आ गए थे और मैं नीचे जा रही थी, लेकिन फिर जब ये लोग आ गए थे तो मेरा जाने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसीलिए हम वापस अंदर आ गए। तो मैंने कर दिया है अपना और मूसा का बिस्तर रेडी। मूसा, ओ लेट्स स्लीप। सो जी, तो बस यहीं तक का था मेरा आज का व्लॉग। आज जो कुछ भी किया, जो कुछ भी हुआ, वो सब आप लोगों से शेयर किया। ऐसे ही डेली आप लोगों से अपनी पूरी लाइफ जो भी चल रहा है वो शेयर करती रहूँगी। तो मेरे साथ रहिएगा हमेशा, मुझे सब्सक्राइब कर ज़रूर कीजिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। और बस मूसा कहो सब, प्लीज़ सब्सक्राइब को, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, लाइक शेयर, शेयर एंड कमेंट, कमेंट। बाय बाय। अब तो बच्चे ने भी बोल दिया सब्सक्राइब करो जाके। बाय, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हाफिज बोलो। हाफिज बोलो। अल्लाह हाफिज। हाफिज चलो करो हैंड।